गुड इवनिंग, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल विस्की वर्ल्ड में। तो बिल्कुल अभी बोतल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर की। ये ऑल न्यू सिग्नेचर, न्यू पैकिंग आई है सिग्नेचर की, विच इज़ नोन एज मैकडोवेल सिग्नेचर। ये इंडियन विस्की है और इसे मैन्युफैक्चर करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, अडियागो ग्रुप कंपनी। 1994 में ये लॉन्च हुई थी सिग्नेचर, और ये इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की है, इंडियन विस्की है। ये अल्कोहल इसमें 42.8% है और इंडियन माल्ट एज स्कॉच विस्की है ये। तो बाकी 94 में ये यूनाइटेड स्पिरिट्स ने की थी लॉन्च। तो इसकी ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊँगा मैं, सीधी अब बात करूँगा आपसे पैकिंग की। तो ये बिल्कुल न्यू पैकिंग आई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे इसकी पेपर पैकिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगी पहले से, जो सिग्नेचर पहले थी। आप इसको देखेंगे बॉक्स को, तो ये बड़ी रिफाइन सी है इसकी पेपर पैकिंग है जो मुझे अच्छी लगी। बाकी इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप इस पर स्कैन करके भी सिग्नेचर के बारे में देख सकते हैं, मतलब आपको टू नो मोर यू हैव टू स्कैन दिस। क्राफ्टेड विद नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, प्री सिलेक्टेड ग्रेन्स है इसमें, प्योर वाटर है और नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है इसके अंदर। बाकी ओवरऑल जो ये पैकिंग है, ये जो पैकिंग है न्यूट्रल स्पिरिट है इसमें, स्कॉच है, माल्ट स्पिरिट है, और ये जो पैकिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट पैकिंग थी इसकी जब आई थी है। तो ये जो पेपर पैकिंग है रेयर एज इसकी है। अगर आप इसमें देखोगे तो मैं ग्रेन्स की बात कर रहा था, ये ब्लेंडेड 3 ग्रेन विस्की विद इम्पोर्टेड स्कॉच एज इंडियन माल्ट एंड ग्रेन स्पिरिट्स विद नोट्स ऑफ ड्राइड फ्रूट्स एंड नटी अरोमा। तो ये विस्की की मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ बिल्कुल। जो मेरे को था इसमें, मेरे को एक ये ग्लास मिला था, तो ग्लास मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो मुझे मिला था। आप इसको क्लोज से भी देख सकते हैं। अभी इसकी जो बॉटल थी वो भी मुझे काफ़ी रिफाइन बोतल लगी थी, इसे मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ एक बार। तो ये इसकी बोतल थी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे बोतल ये देखने में। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं ट्राई कर चुका हूँ विस्की को। तो ये मेरे को इसका ग्लास मिला था और ये बोतल थी। इस ग्लास में तो खैर आपको नहीं पता लग पाएगा इसका कलर, मैं आपको एक ग्लास में इसको भी पोर करके दिखाता हूँ मैं, तब तक आप बोतल देखिए। तो अभी हम इसकी नोजिंग भी करेंगे और इसको भी मैं आपको भी पोर करके दिखाता हूँ इसकी इसकी का क्या है। ये आप कलर देख सकते हैं इसका, ब्राउन सा कलर है। जब तक आप बोतल देखिए मैं इसकी नोजिंग करके आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मेरे को इसमें एप्पल्स की थोड़ी सी फ्रेगनेंस आ रही है और चारकोल, थोड़ा सा वुडी स्मेल है इसका, नटी अरोमा है थोड़ा सा इसका, और टेस्ट वाइज भी जैसे मैंने इसको किया था तो ठीक है, थोड़ी सी फील गुड विस्की है, मतलब आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि आप थोड़ी हार्ड विस्की पी रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल मेरा रिव्यू सिग्नेचर के लिए आए तो मेरे को ठीक ठीक लगी, मतलब जैसे कि मैं इम्पोर्टेड विस्की की बात करता हूँ जो बोटल्ड भी बाहर से होके आती है, तो सिग्नेचर का मुझे ऐसा लगा कि ठीक ठीक लगी। अगर आपका बजट 600 या 700 के अराउंड है तो आप सिग्नेचर ले सकते हैं, मुझे 700 की पड़ी है। ब्लेंडर प्राइस ले सकते हैं, उसी की रेंज में है। बाकी मैं कहूँगा ठीक ठीक विस्की है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए।